श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी? देखिए, हम सभी जानते हैं कि अष्टमी की प्यारी सी तिथि आ गई है और ये अष्टमी तिथि शनिवार के दिन पड़ रही है और इसी अष्टमी तिथि पर आपको करना है बहुत ही प्यारा सा उपाय जो कि आपके जीवन में चल रही सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए है। अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है या फिर आप अपनी आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं या फिर धन प्राप्ति के मार्ग नहीं बन रहे हैं, जीवन में धन का आगमन ही नहीं हो रहा है, तो आपको ये विशेष उपाय अवश्य ही करना चाहिए। ये उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को समझाने का मैं पूरा प्रयास करूँगी। लेकिन उससे पहले यदि ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। देखिए, ये उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में उन्हें धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, कर्ज की समस्या लगातार बनी हुई है, धन के रास्ते सब बंद हो चुके हैं, आर्थिक समस्याएं लगातार जीवन में बनी हुई हैं, तो उन लोगों को ये उपाय विशेष कर करना चाहिए। देखिए, शनिवार का दिन पड़ने के कारण इस दिन आपको पीपल के एक पत्ते से करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय। आपको मात्र एक पीपल का पत्ता लेना है। तो देखो, इस उपाय के लिए आपको एक पीपल का पत्ते की आवश्यकता होगी। अब ये पीपल का पत्ता देखिए, आप पीपल के पेड़ के नीचे जाएंगे, यदि आपको पेड़ के नीचे पत्ता अगर टूटा हुआ मिल जाता है तो ये उत्तम है, आप उसे ले लीजिए और शुद्ध जल से उसको मतलब साफ करके आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको टूटा हुआ पत्ता नहीं मिलता है पीपल के पेड़ के नीचे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहले प्रार्थना करनी है भगवान विष्णु से, माता लक्ष्मी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि ये पत्ता आप तोड़ रहे हो, किसी विशेष क्रिया के लिए आप लेकर जा रहे हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है पहले। और उसके बाद आपको एक पीपल का पत्ता तोड़ लेना है। यदि आपको नीचे मिल जाता है तो आपको नहीं तोड़ना, यदि आपको नहीं मिलता है तो आप एक पीपल का पत्ता तोड़ लें और फिर उसे ला करके आपको शुद्ध जल से धो करके प्रयोग कर लेना है। ठीक है, तो आपने ऐसे करके एक पीपल का पत्ता ले लेना है। ठीक है, एक पीपल का पत्ता लेना है। इसी के साथ आपको लेना है एक चम्मच शहद। ठीक है, एक चम्मच आपने शहद ले लिया और इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में जल ले लेना है। ये जल आपको अपने रसोई घर से लेना है, मटके का जल ले लेना। और इसी के साथ आपको लेना है काले तिल। तो काले तिलों की कोई गिनती नहीं है, आपको एक मुट्ठी में काले तिल ले लेने हैं। ठीक है, और फिर उन काले तिलों का आपको पाउडर बनाना है, मतलब पीस करके उसका एक पाउडर तैयार करना है। और फिर ये चारों सामग्री को लेकर के आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। तो देखिए, ये उपाय आप सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन अगर एक विशेष समय बताया जाए तो आप यदि इसे प्रदोष काल के समय में करते हैं तो ये सर्वोत्तम होता है। लेकिन अगर आपको समय नहीं मिल पाता तो आप सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं इस उपाय को। तो देखिए, जैसे ही आप मंदिर आ जाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप एक पीपल का पत्ता लेके आए हैं उस पीपल के पत्ते को आपको लेना है और अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली पे आपको शहद लगाना है। और फिर जो आपने पीपल का पत्ता लिया है ना, उस पूरे पीपल के पत्ते पे आपको शहद लगा देना है, मतलब पीपल के पत्ते के ऊपर आपको पूरे पे शहद लगा देना। और शहद किस तरफ लगाना है आपको, जो चिकना वाला भाग होता है ना पीपल के पत्ते का, मतलब खुदरे वाले भाग को नहीं लगाना, जो चिकना वाला साइड होगा वहाँ पर आपको पूरे पत्ते पर शहद लगा देना है। ठीक है, तो शहद लगा दिया। अब आपको जो आप काले तिल का पाउडर लाए हैं ना तैयार करके, अब आपको वो पीपल के पत्ता है उसके ऊपर आपको ये जो तिल का काले तिल का पाउडर है वो आपको लगा देना है। ठीक है, शहद लगा हुआ है तो ये आराम से जो पाउडर है वो पत्ते के ऊपर लग जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पाउडर लगा देना है और उसी के ऊपर गए। ठीक है, तो इतना आपने कर लिया। तो अब आपके पास क्या है, एक लोटा जल है। तो ये जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है, आपने एक लोटा जल अर्पित कर दिया। इसके बाद तो देखिए, जो पीपल का पत्ता जिस पे आपने शहद और काले तिल का लेपन
किया हुआ था पत्ते के ऊपर, इसको आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और इसी पत्ते से आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर लेपन करना है। और ये लेपन आपको केवल भगवान शिव के लिंग पे करना है, कटी भाग पर नहीं करना, केवल शिवलिंग के लिंग पे आपको चारों तरफ अच्छे से इस पीपल के पत्ते से, जिस पे आपने शहद और काले तिल को लगाया है पाउडर को, इससे आपको पूरे शिवलिंग पे अच्छे से लेपन कर देना है। और मात्र इतना सा आपको उपाय करना है। उसके बाद जब आप अच्छे से लेपन कर दें, उसके बाद जो पीपल का पत्ता होगा वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। जो डंडी वाला हिस्सा है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको इस पीपल के पत्ते को भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है या जो भी आपके जीवन में परेशानी चल रही है, धन से संबंधित, या फिर बहुत ज़्यादा आपके जीवन में कर्ज हो गया, आर्थिक संकट बढ़ गए हैं, जो भी परेशानी है उस परेशानी को बोल करके आपको मात्र इतना सा उपाय करना है। और इस उपाय को करने से आपके जीवन की जो भी परेशानी होगी और आपके जीवन में जो भी कष्ट होंगे, जो भी कर्ज से संबंधित समस्याएं होंगी, वो जल्द ही मात्र इस उपाय को करने से आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो बहुत ही प्यारा और सुंदर सा उपाय है जो कल के दिन आपको करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव।